अब हम देखेंगे कि वेरीफाइबल रिक्वायरमेंट्स कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज वेरीफाइबल इफ एंड ओनली इफ एवरी रिक्वायरमेंट स्टेटेड देयर इन इज वेरीफाइबल। एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कब वेरीफाइबल होगा, कब हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायरमेंट्स उस डॉक्यूमेंट के अंदर है रिक्वायरमेंट्स की सूरत में, क्या वो रिक्वायरमेंट्स वेरीफाइबल हैं, क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मेंशन है क्या वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। अ रिक्वायरमेंट इज वेरीफाइबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम फाइनाइट कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस विद विच अ पर्सन और मशीन कैन चेक दैट द सिस्टम प्रोडक्ट मीट्स द रिक्वायरमेंट। सो इन ऑर्डर to check the verification of particular document set of requirements we need some cost effective process। हमारे पास कोई ना कोई process या technique होनी चाहिए, कोई ऐसा process या technique जिसकी मदद से हम ये assure करें as a person और as a machine हम ये check कर सकें कि जो हमारे system का जो product है क्या वो हमारी requirements को fulfill कर रहा है। अगर तो वो requirements को fulfill कर रहा है तो it means जो requirements है वो verifiable है। ठीक है जी, वेरिफिकेशन क्या होती है, वेरिफिकेशन ये होती है कि आप वेरीफाई करें कि आया जो इन्फॉर्मेशन हमारे उस डॉक्यूमेंट का पार्ट है, जो डॉक्यूमेंट की गई है, जो स्पेसिफाई की गई है, क्या वो वेरीफाइबल है, क्या हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग सम टेक्निक और बाय यूजिंग सम प्रोसेस। सो इन ऑर्डर टू वेरीफाई द रिक्वायरमेंट्स वी मस्ट हैव सम फाइनाइट कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस और टेक्निक और मेथोडोलॉजी और प्रोसेस। With the help of this process, by using a person or machine, we can check the system product meets the set of requirements. हम कैसे verify करेंगे कि हमारा product user की needs को fulfill कर रहा है? कोई ना कोई particular technique होगी हमारे पास, कोई ना कोई particular process होगा जिसकी मदद से हम ये verify कर सकते हैं कि जी जो system है, जो हमारी requirements हैं, वो user की needs के 100% मुताबिक है। So, example of non-verifiable requirements include statements such as, let's suppose हम कुछ non-verifiable requirements की example लेते हैं कि non-verifiable requirements होती हैं वो किस तरह की होती हैं। The product shall work well means, or the product shall have a good human interface means, अगर हम कह देते हैं कि जी ये जो product बना है ये बहुत अच्छे से काम करेगा, या ये जो product है basically इसका interface जो है वो बहुत अच्छा होगा। So these requirements cannot be verified because it is impossible to define the terms good or well. हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम ये verify कर सके कि हमारे पास जो terms है, जैसे like we are using the term good or we are using the term well. These are not the techniques जिनकी basis पे हमने इन terms को define कर दिया कि एक system good है होना चाहिए या एक system अच्छा होना चाहिए, well designed होना चाहिए। We cannot verify such terms. The program shall never enter an infinite loop means, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है इसको कभी भी इनफाइनाइट लूप में एंटर नहीं होना चाहिए। द रिक्वायरमेंट इज नॉन वेरीफाइबल बिकॉज द टेस्टिंग ऑफ द क्वालिटी इज थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल। ऐसी तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो नॉन वेरीफाइबल होती हैं। क्यों नॉन वेरीफाइबल होती हैं? क्योंकि हम थ्योरेटिकली ये बात कभी भी नहीं कह सकते विदाउट अप्लाइंग द टेस्टिंग द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। वी आर गोइंग टू से कि जी सिस्टम जो है ये ऐसे नहीं करेगा, सिस्टम इस तरह से नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा, सिस्टम का इंटरफेस बहुत अच्छा होगा। जब तक हमारे पास कोई राइट टेक्निक, कोई राइट प्रोसेस नहीं होगा जिसकी मदद से हम ये श्योर करें कि हमारा सिस्टम वाकई ही इन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। हमने इस टेक्निक से ये चीज साबित की है कि हमारा सिस्टम जो है वो हमारे रिक्वायर्ड सेट ऑफ आउटकम्स को, ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर रहा है। The output of program shall usually be given within 10 seconds. अगर हम ये कह देते हैं कि जी आउटपुट जो है वो प्रोग्राम की 10 seconds में आने चाहिए, the requirement is non-verifiable again because the term usually cannot be measured. हम इस टर्म को कैसे मेयर करें कि हम ये कह रहे हैं कि एक सिस्टम को इतने टाइम में रिस्पॉन्ड कर देना चाहिए, बट हाउ वी कैन मेयर दिस कि क्या वाकई हमारा सिस्टम जो है, जो सॉफ्टवेयर हम जिसपे काम कर रहे हैं वो वाकई ही 10 seconds के अंदर रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या हमने इसको किसी पर्टिकुलर टेक्निक के थ्रू वेरीफाई किया या क्या हमने इसको किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू चेक किया। सो इस तरह की टर्म्स को हम मेयर नहीं कर सकते। सो ये वो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स हैं जो नॉन वेरीफाइबल है। सो द नेक्स्ट मेयर दैट वी कैन यूज विद द सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स इज मॉडिफाइबिलिटी। अ रिक्वायरमेंट सेट इज मॉडिफाइबल इफ एंड ओनली इफ इट्स स्ट्रक्चर एंड स्टाइल आर सच दैट एनी चेंजेस टू द रिक्वायरमेंट्स कैन बी मेड इजिली, कंप्लीटली एंड कंसिस्टेंटली while retaining the existing structure and style of the set. So, एक requirement कब हम उसमें modifications कर सकते हैं या changes कर सकते हैं, जब उसका structure, उसका style
इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि वो तमाम तरह की चेंजेस जो है उनको एक्सेप्ट करे। ना सिर्फ हम उन तमाम चेंजेस को इजीली इम्प्लीमेंट कर सके बल्कि वो उनको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट कर सके और वो कंसिस्टेंट होनी चाहिए। सो जैसा कि हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं तो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स में मेंटेनेबिलिटी एक ऐसा मेजर है, एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है या सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है क्या ये क्वालिटी ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं। सो द प्राइमरी मेजर दैट वी कैन यूज इज बेसिकली चेक द लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन। अगर हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है उनका स्ट्रक्चर, हमारे सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, उनका जो लेआउट है, जो स्टाइल है, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप उसमें किसी तरह के भी फ्यूचर एनहांसमेंट्स कर सकते हैं, मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, करेक्शंस कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं लिटिल बिट चेंजेस के बाद, तो इट मीन्स कि हमारी वो जो सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है वो मॉडिफाइबल है, और अगर वो मॉडिफाइबल है तो इट मीन्स दे आर क्वालिटी ओरिएंटेड। ये याद रखिए कि जो चेंजेस हम करेंगे वो आपके जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट्स क्रिएट नहीं करेगा। सो एक ऐसा डिजाइन सिस्टम या सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जिनमें हम इजीली चेंजेस को अप्लाई कर सके विदाउट कंसीडरिंग द इफेक्ट्स ऑफ द चेंजेस ऑन द अदर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स के जी अगर हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं तो इसका इफेक्ट हमें सॉफ्टवेयर के उन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स में उस जगह पे मिल सकता है, मीन्स हमारे सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो सकती है, तो इस सूरत में हम अपने रिक्वायरमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते, और अगर हम मॉडिफाई नहीं कर सकते तो इट मीन्स वी हैव नॉट अ गुड सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। सो अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर है, जो प्रोडक्ट है, वो नॉन मॉडिफाइबल है, मीन्स मेंटेनेबल नहीं है, तो कुछ सेट ऑफ एक्टिविटीज के बाद या कुछ टाइम के बाद, कुछ वीक्स के बाद, कुछ मंथ्स के बाद आपका जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो यूजलेस होगा। क्यों यूजलेस होगा? कि आप अगर उसमें चेंजेस नहीं कर पाते तो वो कुछ टाइम के लिए तो आपके साथ चलेगा लेकिन कुछ टाइम के बाद आपकी नीड्स को फुलफिल नहीं करेगा, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्रैच से एक नए सिस्टम को बिल्ड करना पड़ेगा। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट मेजर दैट वी कैन यूज विद द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज द ट्रेसिबिलिटी। आ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज ट्रेसिबल इफ द ओरिजिन ऑफ ईच ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट इज क्लियर एंड इफ इट फेसिलिटेट्स द रेफरेंसिंग ऑफ ईच रिक्वायरमेंट इन फ्यूचर डेवलपमेंट और एनहांसमेंट डॉक्यूमेंटेशन। एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कब ट्रेसेबल होगा? अगर हर रिक्वायरमेंट का जो ओरिजिन है, जो स्टार्ट है, वो क्लियर होना चाहिए और ये फैसिलिटेट करे कि हम हर रिक्वायरमेंट को रेफरेंस कर सके इन द फ्यूचर डेवलपमेंट और फॉर द सेक ऑफ एनहांसमेंट। सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ट्रेसिबिलिटीज आर रिकमेंडेड। दो तरह से हम रिक्वायरमेंट्स को ट्रेस कर सकते हैं, बैकवर्ड ट्रेसिबिलिटी एंड फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी। बैकवर्ड ट्रेसिबिलिटी में हम जो बेसिकली ये प्रीवियस स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की, इट डिपेंड्स अपॉन ईच रिक्वायरमेंट एक्सप्लिसिटली रेफरेंसिंग इट्स सोर्स इन द प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स। आपके डेवलपमेंट के प्रीवियस स्टेजेस पे हम हर डॉक्यूमेंट को ट्रेस कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आप इम्प्लीमेंटेशन फेज पे हैं तो आप जिस पर्टिकुलर सेट ऑफ रिक्वायरमेंट या फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या वो डिजाइन फेज पे ट्रेसिबल है, क्या वो एनालिसिस फेज पे ट्रेसिबल है। फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन ईच रिक्वायरमेंट इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट हैविंग अ यूनिक नेम। फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी बेसिकली डिपेंड कर रही होती है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पे। हर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के अंदर इस तरीके से आपने डॉक्यूमेंट करनी कि उसका एक यूनिक नेम होना चाहिए, उसका एक यूनिक रेफरेंस नंबर होना चाहिए। हर रिक्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में यूनिक नेम होना चाहिए। सो अगर कोई भी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो है वो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में डिपेंडेंट है या ड्राइव की हुई है किसी दूसरी रिक्वायरमेंट के साथ, तो इस सूरत में फॉरवर्ड ट्रेसिबिलिटी और बैकवर्ड जो ट्रेसिबिलिटी है ये दोनों परफॉर्म करनी चाहिए। सो द लास्ट मेजर दैट वी विल कंसीडर हेयर इज अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। फाइनली अ रिक्वायरमेंट सेट इज अंडरस्टैंडेबल इफ बोथ द यूजर एंड द डेवलपर कम्युनिटीज आर एबल टू फुली अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स एंड देयर फंक्शनैलिटीज। आप जो भी रिक्वायरमेंट्स जो है SRS का पार्ट बनाएंगे वो रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। आपका यूजर, आपका डेवलपर दोनों इन रिक्वायरमेंट्स को और इनकी फंक्शनैलिटीज को फुली अंडरस्टैंड कर पाए। एक रिक्वायरमेंट जो है कब तक हमारे लिए इफेक्टिव है? जब तक वो हमारे लिए इजी टू अंडरस्टैंड है। रिक्वायरमेंट्स को इस तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाए, स्पेसिफाई किया जाए कि उनको रीड करने से रीडर उनकी फंक्शनैलिटी को इजीली अंडरस्टैंड कर ले, ताकि
जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट उन रिक्वायरमेंट की बेसिस पे बनेगा वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूजर की नीड्स के मुताबिक हो. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीक नंबर 13 लेक्चर. विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह. टिल देन अल्लाह हाफिज.